अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नगर निगम सहारनपुर की। यहाँ वार्ड सहारनपुर नगर निगम वार्ड 67 में जिस प्रकार से पार्षद के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी तैयारियों में कार्यकर्ताओं को लगा दिया है, यही हम बात कर रहे हैं। आज वार्ड 67 के वोट रो पे हम आपकी नज़र लगवाएंगे कि वार्ड 67 में कितना वोट है, किस तरह का इसका समीकरण है। वार्ड 67 में एक नज़र डालिएगा कि वार्ड 67 सहारनपुर नगर निगम वार्ड 67 का कितना वोट है। तो वार्ड 67 में दोस्तों 12,520 वोट टोटल वार्ड 67 में है। वार्ड 67 ये सहारनपुर नगर निगम मंडी समिति के बैक का जो एरिया पड़ता है, ये वार्ड 67 है। इसमें 12,520 वोट हैंगे। अब आपको हम बताएंगे कि इसके अंदर मुस्लिम कितना है, दलित कितना है, सैनी समाज कितना है। इस वार्ड में 10,579 वोट मुस्लिम समाज का है और यहाँ पर गैर मुस्लिम जो वोट है वो 1941 है, जिसमें 300 वोट सैनी समाज का है और 1641 वोट दलित समाज का है। ये है वार्ड 67 के वोट की संख्या। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 1600 वोट एससी समाज का है। एससी समाज में 1600 वोट के लिए जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की किस प्रकार से लाइन लगी रहती है, केवल इसलिए कि दलित समाज का जो वोट है वो कलमबंद रहता है, वो बहुजन समाज पार्टी का वोट कहलाता है। और लोगों का मानना यह है कि जिसको हाथी का सिंबल मिलेगा दलित समाज उसको वोट करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वार्ड 67 की फिजा इस इलेक्शन में कुछ और होने जा रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है और जनता का जो रुझान हम देख रहे हैं उसकी अगर बात करें तो लोगों का, खासकर मुस्लिम समाज के नौजवान वोटर का जो जहन बना हुआ है वो इस बात पर बना हुआ है कि हमारा 10,579 वोट है और एससी समाज का मात्र 1600 वोट है। बहुत बड़ा अंतर है वोट के बीच में एससी समाज और मुस्लिम समाज के। और यहाँ पर 4-4 लाख रुपये में टिकट बहुजन समाज पार्टी का जो है मिलने का काम हो रहा है। यही सोच है लोगों की कि 1600 वोट वाले 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए में टिकट पार्षद का बांट रहे और 10,579 वोट वाले उनकी गिनती कहीं नहीं है। इस पर गौरव फिक्र मुस्लिम समाज का नौजवान बहुत गहराई से दबाए और इस इलेक्शन में कुछ रूपरेखा अलग है। अब ऐसे समाज के लोगों का कहना है कि हमारी नेता मायावती है और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और हमारा सिंबल चुनाव चिन्ह जो है वो हाथी है। तो यही अब मुस्लिम समाज के जो नौजवान है वार्ड 67 में कुछ और देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज का कहना है कि हमारा नेता असदुद्दीन ओवैसी है और हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM है और हमारा चुनाव चिन्ह पतंग है। यही करके दिखाएंगे इस बार की 1600 और 10,000 का जो अंतर है उसमें फ़र्क दिखाएंगे कि 4-4 लाख रुपए में जो टिकट की बोली लग रही है और लोग अपनी पार्टी को छोड़कर बसपा के कार्यालयों पर और बसपा के नेताओं के चक्कर टिकट के लिए काट रहे हैं मात्र 1600 वोट के लिए। आए हम बताएं वार्ड 67 में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कौन है। डॉक्टर मोहतसिम ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, यही चुनाव लड़ने के दावेदार हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से। और इन्होंने बसपा का टिकट लेना पसंद किया। 1600 वोट हैं क्योंकि इनको मालूम है ये कलमबंद है। इन्हें भरोसा यह है कि मुस्लिम वोट एक जगह नहीं पड़ता, मुस्लिम वोट सूझबूझ के साथ वोटिंग नहीं डालता। इन्होंने इसलिए बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह लेने का फैसला लिया है क्योंकि इनको पता है कि ये कलमबंद वोट है, इसी के भरोसे 1600 वोट के ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसी से अगर हम बात करें कि वार्ड 67 के मुस्लिम नौजवान में एक जोश पैदा हुआ है कि 10,500 यानी कि 10,579 वोट मुस्लिम समाज का है, तो यहाँ पर उम्मीदवार अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, MIM को क्यों नहीं ला रहे। जो दीवाने हैं MIM के, असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही बनने को तैयार हैं, उन लोगों में इस बात को लेकर बड़ा रोष है और उन्होंने ये फैसला किया है कि यहाँ पर वोट हमारा राज हमारा रहेगा। 1600 और 10,500 का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ MIM के और बसपा के बीच चुनाव करके हम दिखाएंगे एक तरफा। अब आपको बता देंगे MIM
यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से जो यहाँ प्रत्याशी आ रहे हैं वो है दिलशाद मलिक। दिलशाद मलिक जो है यहाँ पर लोगों का कहना है कि MIM के प्रत्याशी हम इनको वोट करेंगे, दिलशाद मलिक को हम चुनाव जिताएंगे। दिलशाद मलिक का है, बसपा के उम्मीदवार डॉक्टर मोतसिम का कहना है कि हमारी गिनती 800 से शुरू हो रही है, क्योंकि और यहाँ पर MIM के उम्मीदवार दिलशाद मलिक का कहना है कि हमारी गिनती 8000 से शुरू हो रही है। तो इतना बड़ा फर्क है, और ये बात वास्तव में सही है। अगर वार्ड का वोट का जायजा लिया जाए तो 12520 वोट है, जिसमें मुस्लिम समाज का जो वोट है वो है 10579 और गैर मुस्लिम समाज का जो वोट है वो 1941, जिसमें 337 समाज का वोट है और 1641 वोट SC समाज का है। तो मुकाबला वाकई एक की गिनती 800 से शुरू तो दूसरे की गिनती 8000 से शुरू है। यही मुस्लिम नौजवान के दिमाग में बात आ रही है कि क्यों ना बसपा बना MIM ये चुनाव हो और हम दिखाएं 1600 वोट के ऊपर 4-4 लाख रुपये में टिकट बेचने वाले लोगों को कि यहाँ पर राज तुम्हारा नहीं हमारा चलेगा, क्योंकि वोट हमारा राज हमारा। यही कि मान्यवर काशीराम साहब ने जो नारा दिया था, जिसकी जितनी भाग्यदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस वार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ भाग्यदारी जो है मुस्लिम समाज की है, मुस्लिम बहुमूल्य ये वार्ड कहलाता है। 12520 में 10579 वोट जो है यहाँ मुस्लिम समाज का है। तो यहाँ पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पर माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की सीट यहाँ निकल भी सकती है पार्षद की, क्योंकि मुस्लिम समाज में जो जोश खरोश देखने को मिल रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जो है 1050 और 1600 से कंपेयर किया जाएगा। और इलेक्शन की जो रूपरेखा है यहाँ पर ये बनेगी कि वोट हमारा तो राज भी हमारा, और यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का परचम लहराया जा सकता है। तो दोस्तों अब के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़।